भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने वाले पाकिस्तान के शैतानी इरादे सामने आए हैं। सुरक्षा परिषद में भारत ने पाकिस्तान की असलियत बताया। सुरक्षा परिषद में कश्मीर का मुद्दा उठाने पर भारत ने पाकिस्तान को बीमार बता दिया। भारत ने किस तरह सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान को बेनकाब किया, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान अपनी बेशर्मी से बाज नहीं आता है। इतनी बार मुंह के खाने के बाद भी पाकिस्तान सुधर नहीं रहा है। कश्मीर का राग अलापने के कारण पाकिस्तान को हर बार बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। एक बार फिर भारत ने पाकिस्तान को नंगा कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र परिषद में कश्मीर का मुद्दा उठाने पर भारत ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकरबुद्दीन ने कहा, शैतानी इरादे रखने वाले एक प्रतिनिधि मंडल ने एक बार फिर झूठ फैलाकर अपनी असलियत दिखा दी है। इसे हम सिरे से खारिज करते हैं। पाकिस्तान को मेरा आसान सा जवाब ये है कि भले ही देर हो गई हो, लेकिन मेरे पड़ोसी अपना रोग ठीक करिए। आपके झूठ और दुष्टाचार को यहाँ कोई मानने वाला नहीं है। दरअसल पाकिस्तानी राजदूत मुनीर अकरम ने अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को रद्द करने, कश्मीर में संचार माध्यमों पर रोक लगाने का मुद्दा उठाया। अकरम ने सुरक्षा परिषद और महासचिव एंटोनियो गुतारेस से भारत और पाकिस्तान को किसी विनाशकारी युद्ध में जाने से रोकने के लिए निर्णायक कार्रवाई करने की अपील की। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकरबुद्दीन ने पाकिस्तान की जमकर आलोचना की और पाकिस्तान का असली चेहरा दिखाया। उन्होंने सुरक्षा परिषद का ध्यान दुनिया में फैल रही अशांति की ओर दिलाया और पाकिस्तान का नाम लिए बगैर ही उसे लताड़ लगा दी। दरअसल जम्मू एवं कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा हटाए जाने के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। कश्मीर के मुद्दे पर वो दुनिया भर से समर्थन की गुहार लगा रहा है, लेकिन कहीं से उसे समर्थन नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि इस्लामिक देशों ने भी कश्मीर को भारत का आंतरिक मामला बताया। यूएई ने तो पाकिस्तान को लताड़ भी लगाई थी और कहा था कि ये राजनीतिक मुद्दा है और इसे धार्मिक रंग न दे। इतना होने के बावजूद पाकिस्तान सुधर नहीं रहा है और बार बार सुरक्षा परिषद में कश्मीर का मुद्दा उठाना चाहता है। इसके लिए उसने चीन से भी मदद मांगी है, लेकिन सुरक्षा परिषद में इस मुद्दे पर चर्चा नहीं कराई गई और अब पाकिस्तान किसी न किसी तरह कश्मीर को सुरक्षा परिषद के सामने ले आता है, लेकिन हर बार उसे मुंह ही खानी पड़ती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। भारत ने कश्मीर के शैतानी इरादों को सामने लगा दिया और दुनिया भर में फैलाए जा रहे आतंक की बात करके सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान का असली चेहरा बताया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अब तक ये बात समझ नहीं आया कि वो जितनी बार कश्मीर की चर्चा करेंगे उतनी बार उन्हें बेइज्जत होना पड़ेगा। जितना ध्यान वो कश्मीर पर देते हैं, अगर उतना ही ध्यान अपने देश की समस्याओं पर देते तो आज पाकिस्तान की स्थिति कुछ और होती। आर्थिक बदहाली से गुजर रहे पाकिस्तान को चंदा नहीं मांगना पड़ता, लेकिन उन्हें कश्मीर से आगे कुछ दिखाई नहीं देता है। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।